वेलकम टू माय चैनल आपके समझ कर फुल जोश के साथ। और गाइस आपका सैम ना स्कूल जा रहा है। और गाइस और ना लबिया की अभी तबीयत खराब है, जब भी लबिया सो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। और गाइस एक बात और, डैडी भी सो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ स्कूल, और डैडी को भी उठाए के हम फिर जाऊंगा मैं। और गाइस रोज मैं रोज की तरह मम्मी को एक बात ही बोलने वाला हूँ। क्या? मुझे लेने आ जाओ। ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगी। और कुछ रेडी हो जाए गिफ्ट बताओ गाइस को। गिफ्ट? क्या गिफ्ट? पार्टी वाला स्कूल का। अच्छा, गिफ्ट थोड़ी ना हुआ। अच्छा, आज पार्टी बनाएगा सैम। और गाइस मैं स्कूल में पार्टी बनाऊंगा। और गाइस मैं ले जाने वाला हूँ स्कूल की पार्टी में फ्रेंच फ्राइज, दो चिप्स। चिप्स नहीं देने वाली मैं, फ्रेंच फ्राई और पापड़ फ्रूटी। ठीक है, ओके, चलेगा। तो चलो सैम होएगा ब्रैडी। चलो तो आज सैम का टाइम घर पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, पूरे 8 बज चुके हैं। चलो सैम फटाफट बैठो। चैलेंज ठोका और उसने निकल के भी नहीं देखा एक बार। वही तो उस लेडीज के लगी, पीछे वाले ने ठोके और वो एक बार निकला नहीं। तो गाइस सैम को तो छोड़ दिया स्कूल और हम वॉक कर रहे हैं। रास्ता तो ना टाइम ज़्यादा हो गया था और धूप भी निकल गई है। आज अभी सैम को स्कूल छोड़ा 8:15 से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था। वो बस अभी वॉक करते हैं। यार एक और एक्सीडेंट, पता नहीं आज दिन कैसा है। तो तो गाइज हम घर आए, यहाँ ये तारक मेहता लगा के बैठा हुआ है। लव सो रहा था ना घर पे और ये आते देखो वॉक करके आए हैं और आते बिस्तर में घुस गए। और ये बाबूजी मैगी बना के बैठे हुए हैं सुबह सुबह। ये चल रहा है घर पे, तबीयत खराब थी, छुट्टी की है और मैगी खा रहे हैं। भूख लगी होगी, हम थे नहीं। आ गया, ये वॉशरूम में घुसा हुआ था। हाँ भाई तबीयत खराब है, मैगी बना के खाई जा रही है। और मैगी खाने से ही पहले फ्रेश होने पहुंच गया, खाई है नहीं, फ्रेश पहले हो गया। तू तो जगह बना क्या है, कुछ भी गुस्सा आ रहा है सबको। कह रहा खाने को, कैमरा हटा लो, घुमाया जा रहा है मैगी को, ठंडी होगी खा ले। तो गाइज यहाँ पे ये चाय बन रही है, ये आलू उबाल के तैयार कर लिए हैं ब्राउन ब्रेड में भर के, टोस्ट बना के खाने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई। और यहाँ पे मैंने दूध उबालने चढ़ा दिया है। ये गए फ्रेश होने, लव अपना पढ़ाई कर रहा है। तो बना लेती हूँ फटाफट से टोस्ट, नहीं तो पीछे से आवाज़ आ जाएगी।
तो गाइज ये सैम स्कूल से आ गया और आज इसने क्या करा है, पेंसिल बॉक्स खो के आ गया स्कूल में। ये ट्यूशन का होमवर्क कर रहा था, अब ट्यूशन जाना है इसने 4 बजे। जल्दी बता दो पेंसिल बॉक्स कहाँ छोड़ के आए हो। तो क्यों छोड़ के आए हो, तो पता होना चाहिए ना अपनी चीजों का। लव भैया करते हैं ऐसे। तो गाइज हमारे ना पड़ोस में ना लड़की की शादी है, तो वहीं पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब पहले ना कच्चा पक्का था, मतलब जाने का कंफर्म नहीं था, अब कंफर्म हो गया है कि जा ही रहे हैं। तो लव को अभी रेडी करना है, इनके ना कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, देख ले फिर जब रेडी करूँगी रख दियो। तो लव के भी कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, लव कुर्ता डाल रहा है ग्रीन वाला ये, और मैं गाउन डालूंगी। और इनका तो कभी भी पक्का नहीं पता कि जाएंगे, हम रेडी हो जाएंगे उसके बाद पूछेंगे, अगर जा रहे होंगे तो आ जाएंगे, ना तो 5 मिनट लगने हैं रेडी होने में। तो फटाफट से हम रेडी होते हैं, फिर इनको फ़ोन करके पूछते हैं, देखते हैं जाते हैं या नहीं। तो गाइज हम रेडी हो गए हैं, बस निकल ही रहे हैं पार्टी के लिए, और अब लव के डैडी भी जा रहे हैं। अब सही है ना, डैडी भी जा रहे हैं, आराम से आएंगे। तो गाइज शादी में हम पहुँच चुके हैं और अभी बारात नहीं आई है, बारात आने से पहले पहुँच गए हैं हम, नहीं तो लगा था लेट हो गया काफ़ी। शकल दिखाओ मेरी, ये भी आई हमारे साथ। बच्चे खुश हैं, बच्चों को ना मिक्की माउस मिल गया ना अंदर खेलने को। तो ये रही रानी टिक्की खाती हुई, कह रही टिक्की खाऊंगी मैं तो। और सैम को तो कुछ खाना ही नहीं होता कभी भी, है ना। सैम मेरी तो फेवरेट है टिक्की। तो मैं खाऊंगी चीला। तो गाइस देखो, ये देखो हमारी भाभी भी आ चुकी हैं, और खाना खा रही हैं। रानी भाभी, अरे रानी यार खाई गई थी। क्या बात है, ये देखो सुमन भी कितनी प्यारी लग रही है। ओह माय गॉड, वाओ, हमने तो खाना खा लिया, ये खा रहे, इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने खाया नहीं था ना। मैं टिक्की खाने जा रही हूँ। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है ना किसी की शादी में, करते होने का एक गली के पीछे हमारी बड़ी दीदी खड़ी है इधर, ये देखो इनको शर्म आ रही है। अच्छा नहीं, मैंने कहा बदनाम करके भाभी एक खाली अकेले इतना खा रही है, ये हस्बैंड देखो एक पूजा गवर्नमेंट पर पकड़ देते हैं देखो ना भाई बोला है ना ये वाला। गाइस हम लोग जा रहे हैं, हमारे जाने का टाइम हो गया और बारात आ रही है, हम यहीं पे देख लेते हैं, हम यहीं देख लेते हैं। ये जा रही भाभी, इनकी बेटी की शादी है जो पिंक साड़ी में जा रही थी। तो बस अब घर आ गए हैं, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे सैम। ओह लव ने तो करना शुरू कर दिया भाई चेंज। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तब तक के लिए बाय।